हिमाचल प्रदेश में अनुबंध पर तैनात स्टाफ नर्सों को अब 6 की बजाय 3 वर्षों में ही रेगुलर कर दिया जाएगा और इसके साथ ही नर्सों और अन्य पैरामेडिकल स्टाफ की जो भर्ती होगी वो आरकेएस के तहत न होकर अनुबंध के आधार पर ही की जाएगी। ये जानकारी स्वास्थ्य मंत्री कौल सिंह ठाकुर ने अंतर्राष्ट्रीय नर्सिंग डे पर मंडी में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह के बाद पत्रकारों के साथ बातचीत के दौरान दी। समारोह का आयोजन लाल बहादुर शास्त्री मेडिकल कॉलेज नेचौक में किया गया था। कौल सिंह ठाकुर ने सभी नर्सों को नर्सिंग डे की बधाई दी और कहा कि स्टाफ नर्सें एक सेवक की तरह कार्य करके मरीजों की देखभाल करती हैं। उन्होंने बताया कि मंत्रिमंडल ने हाल ही में निर्णय लिया है कि जो भी पैरामेडिकल स्टाफ भर्ती किया जाएगा वह सिर्फ अनुबंध के आधार पर ही होगा और ये अनुबंध सिर्फ 3 वर्षों का ही होगा। उन्होंने बताया कि पैरामेडिकल स्टाफ के जो कर्मचारी 3 वर्षों के अनुबंध को पूरा कर चुके हैं उन्हें जल्द ही नियमित कर दिया जाएगा। कि पहले ये 6-7 साल के बाद 3 साल ये आरकेएस में रहती थी, रोगी कल्याण समिति में 3 साल कॉन्ट्रैक्ट में रहती थी, फिर उसके बाद 6 साल के बाद जो है ये रेगुलर होती थी। अब हमने उन्होंने एक फैसला ये कर दिया कि अब जो भी भर्ती होगी नर्सिंग की या पैरामेडिकल स्टाफ की वो आरकेएस में नहीं होगी, कॉन्ट्रैक्ट पे होगी और 3 साल में ये रेगुलर हो जाएंगे। उसके अलावा जो हमारे नर्सी थी अब ये 4 साल में ये नर्सी जो है सारी रेगुलर हो जाएगी, इसके लिए भी पिछले कैबिनेट में हमने फैसला करवाया है। और उसके बाद जो भी नर्सिस कॉन्ट्रैक्ट पे भर्ती होकर के स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हमीरपुर से आएगी वो 3 साल के बाद ही जो है रेगुलर हो जाएगी। इससे पहले स्वास्थ्य मंत्री ने क्षेत्रीय अस्पताल मंडी में करोड़ों के उद्घाटन और शिलान्यास भी किए, जिसमें 5.8 करोड़ की लागत से बनने वाले नर्सिंग हॉस्टल का शिलान्यास किया गया है। इसका निर्माण 1 वर्ष में पूरा कर लिया जाएगा। 64 लाख रुपए की लागत से बने कर्मचारियों के आवासीय परिसर और 20 लाख रुपए की लागत से बने कैंटीन का उद्घाटन भी किया। वहीं 80 लाख रुपए की लागत से बने ऑक्सीजन प्लांट का शुभारंभ भी किया गया। जो ऑक्सीजन प्लांट और एक्सट्रैक्शन प्लांट जो है यूनिट, उसका भी विधिवत तौर पर उद्घाटन किया गया, जिसमें 80 लाख से ज़्यादा का पैसा खर्च हुआ है। अब हमको सिलेंडर जो है मरीज के पास ले जाने की जरूरत नहीं है, इकट्ठे सिलेंडर लगे हैं और पूरे हॉस्पिटल को ऑक्सीजन की सप्लाई जो है उससे हो रही है और हर बेड पे जो है ऑक्सीजन की सुविधा उपलब्ध हुई है। ये भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि जोनल हॉस्पिटल मंडी के लिए हुई है। बता दें कि इस सुविधा से अब मरीजों को ऑक्सीजन देने के लिए सिलेंडर का इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा बल्कि मरीजों को बिस्तर के पास पाइप के माध्यम से ऑक्सीजन दी जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल।